हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग जब भी विस्की खरीदने जाते हैं तो कौन सा विस्की खरीदते हैं? मेरा जो एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर लोग जब भी विस्की खरीदने जाते हैं तो अपना जो फेवरेट ब्रांड है उसको खरीद के लाते हैं। नया विस्की ट्राई करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है इंडिया में। ज़्यादातर टाइम लोग अपना फेवरेट विस्की उठा करके लाते हैं। कोई नया विस्की दिखता है तो लोग हेजिटेट करते हैं कोई भी न्यू इंट्रेंट में इन्वेस्ट करने में। मैं तो रिव्यू करता हूँ, मेरा तो काम है, तो मैं अलग अलग तरह की विस्की ट्राई करता रहता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप लोगों को मौका मिले तो कुछ नया विस्की जरूर ट्राई कीजिए। क्या पता आप जिस रेंज की विस्की पी रहे हैं उसी रेंज में आपके फेवरेट ब्रांड से ज़्यादा शानदार विस्की आपको मिल जाए। आज एक वैसे ही विस्की का हम लोग रिव्यू करेंगे। इसका नाम है ओक स्मिथ। लॉन्च होने के साथ ही पूरे मार्केट में धूम मचा दिया है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होकर के मार्केट में जाता है और सीधा गायब हो जाता है। मुझे भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा इसके लिए, इसका रिव्यू बनाने के लिए। लॉन्च के इतने कम समय में इतना ह्यूज पॉपुलैरिटी और किसी विस्की का हमें तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, इस विस्की का नाम है ओक स्मिथ इंटरनेशनल ब्लेंडेड विस्की। अच्छा, विस्की या कोई भी लिकर का जब भी बात करेंगे तो दो बिग जाइंट्स हैं वर्ल्ड में, एक है डीएजीओ, दूसरा है पर्न रिकार्ड। तो ये दोनों इतने बड़े ब्रांड हैं, और जितना भी स्कॉच विस्की, बर्बन विस्की, जो भी आपकी जो फेवरेट विस्की होगी वो या तो डीएजीओ की या तो पर्न रिकार्ड का ब्रांड होगा। ज़्यादातर दिस विस्की कम्स फ्रॉम बिम सेंचुरी। अब बिम सेंचुरी क्या है? वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट लीकर कंपनी है। खासियत क्या है इसकी? ये आज के डेट में एक जापानीज कंपनी है बिम सेंचुरी, और ह्यूज पोर्टफोलियो है इसके पास डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लीकर्स का। लाइक स्कॉच विस्की भी है, बर्बन विस्की भी है, इवन सिंस आज के डेट में तो जापानीज इसको ओन करते हैं, तो बहुत सारे टॉप क्लास जापानीज ब्रांड भी हैं इसमें। लाइक हिबिकी, फिर यामाजाकी, जो कि अमेजिंग विस्कीज हैं, वो भी बिम सेंचुरी का ब्रांड है। और बिम सेंचुरी ने ही दिस ओक स्मिथ को इंडिया में लॉन्च किया है स्पेशली फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। बिम सेंचुरी के जो मास्टर ब्लेंडर हैं सिंजी फुकोयो, तो सिंजी फुकोयो को चार्ज दिया गया था इस विस्की का ब्लेंड डेवलप करने के लिए। तो सिंजी फुकोयो हैज़ स्पेंड क्वाइट सम टाइम इन इंडिया। कई ट्रिप वो इंडिया का लगाए थे, इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट इवन छोटे बार्स में, ढाबाज में और क्लब्स में और हर जगह जा करके वो इंडियन कंज्यूमर का टेस्ट और उनका बिहेवियर वो समझना चाहते थे। और उसके बाद इंडियन कंज्यूमर के टेस्ट और उसके बिहेवियर के हिसाब से ही डेवलप्ड दिस अमेजिंग अमेजिंग ब्लेंड। एक और खासियत इस ब्लेंड की, आप ज़्यादातर अगर कोई इंडियन विस्की की बात करें तो या तो वो स्कॉच विस्की के साथ आपको ब्लेंड किया हुआ इंडियन विस्की मिलेगा, या बहुत रेयर होता है बर्बन विस्की से ब्लेंड। ये जो विस्की है, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ स्कॉच विस्की एंड बर्बन विस्की। अब मेरे जहन में तो और कोई इसका इस तरह से कंपटीशन नज़र नहीं आता है जो कि बर्बन विस्की और स्कॉच विस्की का ब्लेंड के साथ तैयार हो। तो ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई डोंट नो वो टेस्ट में वैसा इंटरेस्टिंग लगेगा या नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग तो है। अभी क्या है, मैंने पहले ये विस्की ट्राई नहीं किया है, तो सबसे पहले इसको एक बार पोर करता हूँ। पहले 1-2 मिनट टाइम दे देता हूँ उसको खुलने के लिए। क्या है, मैंने पहले इसको ट्राई नहीं किया है, तो जितना मेरे को इसके बारे में पता है वो मैं बताता जा रहा हूँ। आगे इसको 3 पैरामीटर पे रिव्यू करेंगे इसका। नंबर 1 इज इसका अरोमा, फ्रेग्रेंस। नंबर 2 इज टेस्ट, और उसके बाद ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन का जो एक होलसम इफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके कलर से। वेरी लाइट कलर, बहुत लाइट है, लाइट गोल्ड कलर इसको बोल सकते हैं। तो और इसकी कंसिस्टेंसी जो है, ये आई थिंक इसको मीडियम कहा जाएगा, इट्स नॉट वेरी हैवी बॉडीड।
तो ये रही बात कलर एंड कंसिस्टेंसी की, अब स्मेल। वाओ, सबसे पहला, क्योंकि ये 700-800 के रेंज की विस्की थी, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक अल्कोहल का भवका मिलेगा, जो कि नॉट ऑलमोस्ट, इट्स एक्चुअली जीरो, बिल्कुल नहीं है। नो, जीरो जीरो एट ऑल। मतलब आप एक जो एंट्री लेवल स्कॉच विस्की में भी कभी कभी आपको थोड़ा सा स्ट्रांग एक नोट मिल जाता है अल्कोहल का, वो भी नहीं है। स्मेल की बात करेंगे तो इसका स्मेल एंट्री लेवल स्कॉच विस्की से भी ज्यादा माइल्ड है। आगे नोट्स क्या मिलते हैं, थोड़ा स्वीट है, वेरी प्रोमिनेंट इन वनीला एंड फ्लोरल नोट्स, जो कि बर्बन विस्की की खासियत होती है। स्मोक, लॉट ऑफ स्मोक, और ओक वुड भी काफी प्रोमिनेंट स्मेल है। यस, लॉट ऑफ स्मोक। तो इसके हिसाब से अगर स्मेल तक की बात करें तो आप ये 700 और 800 रुपए की प्राइस को बिल्कुल भूल जाइए। ये एक ठीक ठाक स्कॉच विस्की के रेंज का विस्की जैसा स्मेल कर रहा है, तो बारी टेस्ट की। काफी स्वीट है, उसके साथ साथ वनीला, थोड़ा मैपल सिरप और स्मोकी एंड वुडी। फिर से ट्राई करते हैं एक बार। अमेजिंगली स्मूथ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 700-800 रुपए की विस्की इतना स्मूथ हो सकता है, जिसमें कि अल्कोहल का भबका वो जीरो हो सकता है, और वनीला और स्मोक और ओक वुड और फ्लोरल फ्रेग्रेंस वो इतना प्रोमिनेंट हो सकता है। अच्छा, स्वीटनेस डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा स्वीटनेस कभी कभी वो ऑड लगने लगता है, लेकिन इसमें स्वीटनेस का जो है ना, वो डिफरेंट लेयर्स मिलता है। जैसे कभी एक नॉर्मल स्वीटनेस मिलता है, फिर एक मैपल सिरप के जैसा एक स्वीटनेस आता है, उसके बाद वो फेंट हो जाता है, और नीचे और आफ्टर इफेक्ट में आपके मुंह में बस अभी फूलों की खुशबू है और स्वीटनेस है, तो इट्स अमेजिंग। ये ज्यादा करीब है किसी भी बर्बन विस्की के, और स्कॉच विस्की का हिंट है जितना जितना मेरे को नजर आ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये 700-800 रुपए में इस तरह की विस्की कैसे लॉन्च कर सकता है कोई। अगर इसके कंपटीशन की बात की जाए तो 1000 रुपए के नीचे तो किसी भी विस्की से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसको जब भी कंपेयर करना होगा तो आपको या तो एंट्री लेवल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की की तरफ देखना पड़ेगा, या फिर कोई एंट्री लेवल बर्बन विस्की देखना पड़ेगा। अमेजिंगली स्मूथ विस्की, अनबिलीवेबल। मतलब आप 700-800 रुपए में जो विस्की इंडियन कंज्यूमर के लिए पोजीशन किया गया हो, वो इतना बढ़िया टेस्ट करे, और स्पेशली निट के टाइम पे। मेरा क्या है, जो भी विस्की मुझे निट पीने में ठीक लग जाए, मैं उसको बढ़िया विस्की मानता हूं, क्योंकि उसके बाद ज्यादातर इंडियन कंज्यूमर जो है वो तो पानी मिला करके, सोडा मिला करके, या फिर ऑन द रॉक्स तो उसको पियेंगे और इंजॉय करेंगे, लेकिन उसको निट में बढ़िया टेस्ट करना चाहिए, तभी वो आगे ब्लेंड करने के बाद भी अच्छा टेस्ट करेगा। तो एक बार इसमें पानी मिला करके भी चेक कर लेते हैं।
ये देखना जरूरी है कि पानी मिलाने के बाद भी वो अरोमाज और वो टेस्ट इसमें अवेलेबल रहता है या नहीं। पानी मिलाने के बाद कलर थोड़ा ज्यादा ही लाइट हो गया है। एक बार और स्मेल देख लेते हैं। ये नेचुरल भी है क्योंकि पानी मिलाने के बाद स्मोकीनेस आपको ज्यादा फील होने लगता है, तो अभी बहुत ज्यादा स्मोकी फील हो रहा है। और फूलों का खुशबू बहुत प्रोमिनेंट और वनीला। चलिए अब टेस्ट देखते हैं। मजेदार, पानी मिलाने के बाद भी मीठा, मतलब स्वीटनेस डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा है, इवन मेरे पसंद से भी थोड़ा ज्यादा स्वीट है। लेकिन मैं वही कह रहा था कि उसमें डिफरेंट लेयर्स आपको फील होगा, लाइक खत्म होने के बाद, इवन पानी मिलाने के बाद भी जब आप खत्म कर लिए, अभी भी आपके मुंह में एक स्वीटनेस, स्वीटनेस के साथ एक स्मोकी फील और थोड़ा सा एक वो मेपल सिरप वाला एक फ्रेग्रेंस वो फील हो रहा है। तो अगर इसके प्राइस के हिसाब से इसके स्मेल और टेस्ट की बात की जाए, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल 10 out of 10 डिजर्व करता है। इस प्राइस में इससे बढ़िया विस्की नहीं है। फिर से वही बात कहूंगा, नेक्स्ट टाइम जब भी विस्की खरीदने जाएं, तो अपने फेवरेट ब्रांड के अलावा कुछ और भी ट्राई करने का कोशिश करें। क्या पता आपको आपके फेवरेट ब्रांड से कम प्राइस में उससे ज्यादा मजेदार विस्की मिले। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अमेजिंग वीडियोस में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।